हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 8A फ्रॉम मैथमेटिक्स। हमने ज्योमेट्री इस 8 नंबर के लेसन में अलग अलग ज्योमेट्री शेप्स के बारे में जानकारी देखी है, जिसमें पॉइंट, उसके बाद लाइन, लाइन सेगमेंट, लाइंस में वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, स्लांटिंग लाइंस, इसके बारे में जानकारी ली है। इसके अलावा ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनके बारे में भी जानकारी ली है। उनके पिक्चर आपको निकालने के लिए, डायग्राम्स निकालने के लिए हमने होमवर्क में भी दिया था। तो आज उसी पर डिपेंडेंट एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8A, तो हमें ये सॉल्व करनी है। क्वेश्चन फर्स्ट, नेम द पॉइंट शोन इन फिगर। अभी यहाँ पर पॉइंट्स दिए हैं, उनको आपको पहचानना है या पढ़ना है। जनरली यहाँ पर ऑलरेडी पॉइंट M, पॉइंट N, पॉइंट S, पॉइंट मतलब क्या, पेन या पेंसिल जब हम पेज पर रखते हैं और उससे जो आकृति बनती है उसे पॉइंट कहते हैं। जैसे पॉइंट हुआ अभी पेन टच करने के बाद, इसको हम ए टू जेड कैपिटल में कौन सा भी एक्स वाई जेड एम एन टी पी एस ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, पॉइंट एम एन एस, ये 3 पॉइंट्स है, ये उसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पॉइंट्स मार्क बिटवीन एक्स एंड वाई ऑन द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। यहाँ पर एक्स वाई एक लाइन सेगमेंट दिया है, यानी रेशाखंड, और इसमें आपको एक्स और वाई के बीच में कौन से पॉइंट आए हैं वो लिखने हैं। कौन से हैं, एल आर एस टी यू, ये उसका आंसर है। सो हम आंसर क्या लिखेंगे, एल आर एस टी यू, ये आंसर हुआ। एक्स और वाई के बीच में जो पॉइंट्स आए वो हम लिखे, पॉइंट एल आर एस टी यू। क्वेश्चन थर्ड, नेम द लाइन सेगमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में ए में कौन सी फिगर दी है, एक ट्रायंगल दिया है, उसमें के लाइन सेगमेंट हमें लिखने हैं। ओके, सो कैसे लिखेंगे हम लाइन सेगमेंट, लिखने के लिए एक प्रॉपर मेथड होती है, अभी कौन सी देखेंगे। बुक में हमें एक ए नंबर के यहाँ पर एक इस तरह का ट्रायंगल दिया है, आप बुक में वर्कबुक में देख सकते हो, ट्रायंगल पी क्यू आर। अभी इसके कौन से सेगमेंट है, जैसे सेगमेंट ये पी क्यू, हम एक लेंगे सेगमेंट पी क्यू, ये सेगमेंट का साइन है। दूसरा, सॉरी पी क्यू, हाँ पी आर, दूसरा सेगमेंट कौन सा है, सेगमेंट पी आर, पी क्यू हो गया, पी आर हो गया, अभी आर क्यू, सेगमेंट आर क्यू, ये फर्स्ट का आंसर हुआ। अभी बी नंबर पर एक स्क्वायर दिया है उस इस तरह का, और उस स्क्वायर को ए बी सी डी ऐसे नाम दिए हैं। अभी स्क्वायर के लिए कैसे लिखेंगे, कौन से सेगमेंट है, सेगमेंट ए बी, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट को ए नाम है, इसको बी है, ये सेगमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक, सेगमेंट ए बी, सेगमेंट बी सी, सेगमेंट सी डी एंड सेगमेंट डी ए, नहीं तो ए डी कह सकते, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, नहीं तो ए डी, 4 सेगमेंट दिए हैं। सी थर्ड, यहाँ पर एक आकृति है, देखिए डायग्राम है इस तरह का, जिसको 6 एंगल्स है, इसके बारे में आपको अभी तक जानकारी समझो नहीं मिली है। के जे आई H, G और F, हम यहाँ से कहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ से करेंगे सेगमेंट के जे, यहाँ से ये हो गया। अभी सेगमेंट जे आई, सेगमेंट आई एच, सेगमेंट जी एच, सेगमेंट एफ जी, सेगमेंट एफ के, हम ऐसे भी जा सकते हैं और इधर से भी हम लिख सकते हैं, सेगमेंट वो सेम रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मार्क टू पॉइंट्स ए एंड आर ऑन योर नोटबुक। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू बोथ दिस पॉइंट्स। अभी आपको ए और आर
ऐसे दो पॉइंट्स आपके बुक पर लेने हैं और उसमें से कितने लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर सकते हो दोनों पॉइंट्स में से जाने वाले, वो देखने हैं। देखिए हम यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे ए और यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे आर। अभी इसको हम ज्वाइन करेंगे स्केल की मदद से, रूलर की मदद से। देखिए ये ए और आर। अभी हम अगर दूसरा सेगमेंट निकालने के लिए जाएंगे तो एक ही इसमें से जा सकता है, यानी ऐसा कितने सेगमेंट ऐसे बना सकते हैं दो पॉइंट में जाने वाले, ओनली वन सेगमेंट। तो ये वन इसका आंसर रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर्स नेम हॉरिजेंटल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, स्लैंटिंग लाइंस। इस फिगर में हॉरिजेंटल लाइंस कौन से है, वर्टिकल लाइंस कौन से है और स्लैंटिंग लाइन कौन से है, वो आपको लिखना है। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले ए नंबर पर हमें दिया है हॉरिजेंटल लाइंस, तो आपको नोटबुक में लिखना है हॉरिजेंटल लाइंस। अभी हॉरिजेंटल लाइंस कौन सी है, लाइन एडी और लाइन बीसी, ये लाइन का साइन है उसके सिर पर दिया जाता है। पढ़ते वक्त लाइन ए किसको कैसे पढ़ते हैं, लाइन एडी, लाइन बीसी। देन हमें देखना है बी नंबर वर्टिकल लाइंस, मतलब सीधे वाले, आपको नोटबुक में ऐसा टाइटल देना है, कौन से है, लाइन ए बी और लाइन डी सी। ओके और थर्ड टाइप है स्लैंटिंग लाइंस, स्लैंटिंग लाइंस में लाइन ए सी और लाइन बी डी। ओके सो ये लाइंस है। अभी 6 नंबर का क्वेश्चन हम वर्कबुक में देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन देखी थी उससे रिलेटेड ये है। अ लाइन सेगमेंट हैज डैश एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट कैसा होता है, ये वाला समझो, हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ये समझो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसको कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, ये वन और ये टू, मतलब यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट खत्म हुआ और ये वाला यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आंसर क्या आएगा, द लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट को दो एंडिंग पॉइंट होते हैं। देन अ लाइन सेगमेंट हैज़ डैश लेंथ, कितनी लेंथ होती है लाइन सेगमेंट को, डेफिनेट यानी एक निश्चित होती है, लाइन जैसा हो अमर्याद होता है क्या, नो, इन दो पॉइंट की वजह से वो लिमिटेड होता है, इसके बाद हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। समझो ये 5 सेंटीमीटर का है तो लाइन सेगमेंट की हम 5 सेंटीमीटर लेंथ बता सकते हैं, लेकिन लाइन के दोनों भी तरफ एरो होने की वजह से वो इनफाइनाइट होती है, अमर्याद, लिमिटेशन उसको नहीं होते हैं। ओके अ डॉट यानी ये साइन है रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट, ये जो डॉट है ये क्या है, ये पॉइंट, इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, पी पॉइंट, क्यू, इस तरह से। ओके अ पॉइंट शोज अ डेफिनेट, क्या पॉइंट डेफिनेट क्या बताता है, लोकेशन, निश्चित जगह, ये उसको हम पोजीशन कह सकते हैं। ओके पॉइंट क्या बताता है, अ पॉइंट शोज अ डेफिनेट लोकेशन और पोजीशन। ओके डी, अभी ई, अ रे हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। अभी ये रे की इमेज देखेंगे, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड, ये इधर दिया है रे पी क्यू, समझो हम इसको बोलेंगे रे पी क्यू, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पी है लेकिन रे को एक साइड में एरो होने की वजह से एक इधर इनफाइनाइट होती है, इसलिए अ रे हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट यानी शुरू का बिंदु उसको होता है बट नो एंड पॉइंट, लेकिन उसको एंड पॉइंट होता है क्या, एंडिंग पॉइंट होता है क्या, नो। लास्ट अ लाइन सेगमेंट व्हेन एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शंस एंडलेसली गिव्स अ लाइन, वो क्या होती है लाइन। अगर ये लाइन सेगमेंट है, समझो हम एग्जांपल के लिए लेंगे, लाइन सेगमेंट है, रेशाखंड है कौन सा, पी क्यू। अभी ये डेफिनेट है, इसकी लेंथ फिक्स है, लिमिटेड है, लेकिन जब इसको
लेफ्ट साइड को हमने बढ़ा के एरो दिया और राइट साइड को भी बढ़ा के एरो दिया, तो अब ये क्या हुई, लाइन बन गई। ओके, सो ये हमारा एक्सरसाइज 8A आपको वर्कबुक में देख के नोटबुक में अच्छी तरह से सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।